हेलो एवरीवन, आई एम सी ए भव्या पांड्या। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर हूँ, प्रोडक्ट की टीम के साथ काम करता हूँ। ये जो आप फीचर देख सकते हो वो मैंने हमारी टीम के साथ क्लोजली मॉनिटर करके हमने बनाया है। वी विल जस्ट टेक यू थ्रू द एंटायर डेमो हाउ टू यूज़ दिस फीचर, कैसे ये आपकी ट्रेडिंग को फास्ट, एफिशिएंट और बेटर कर सकता है। सो यू विल स्टार्ट अ सेशन। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज कॉमन डिफिकल्टीज फेस्ड वाइल यूजिंग चार्ट्स। नॉर्मली ये फीचर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और इससे क्या वैल्यू ऐड हो सकता है, और कौन से प्रॉब्लम्स हैं आपके जो ये फीचर ट्रेडिंग व्यू का आपको सॉल्व करके दे सकता है। सो वन ऑफ द बेसिक थिंग इज कि जब रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेशन की बात आती है, नॉर्मली ऑल द ट्रेडर्स यूज रिस्क रिवॉर्ड। कि दो ही मेन नंबर है, या तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए, या तो इफ एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल होना चाहिए to ensure that आप पॉजिटिव आउटकम आपको पॉजिटिव आउटकम मिले ट्रेडिंग में। बहुत लोग नॉर्मली रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए खुद कैलकुलेटर या कोई एक्सेल शीट प्रेफर करते हैं, जिसमें उनको ऑल टैप करके मूव करना पड़ता है, चार्ट के बाहर नंबर्स इनपुट करने पड़ते हैं। सो दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। दूसरी एक एक्टिविटी है जहाँ पे ट्रेडर्स को ट्रेड बुक बार बार देखनी पड़ती है, जस्ट टू आइडेंटिफाई कि जब उन्होंने ट्रेड लिया कौन से टाइम पे ट्रेड लिया, कौन से प्राइस पे ट्रेड लिया, वो टाइप के कैंडल क्या बन रहा था, एग्जिट किया तब कैसे कैंडल बन रहा था। तो वो उनको मैन्युअली मैप करना पड़ता है ट्रेड बुक में जाके और चार्ट्स को साइमल्टेनियसली देखते हुए। दैट इज ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग लाइव मार्केट। दूसरा एक और प्रॉब्लम जो बहुत क्लाइंट्स फेस करते हैं, वो एक पर्टिकुलर क्रोम या कोई ब्राउजर के एक टैब पे चार्ट्स ओपन करके रखते हैं, दूसरे टैब पे उनका ऑर्डर बुक ओपन रहता है। सो उनको टॉगल करना पड़ता है दोनों स्क्रीन, दोनों टैब्स के बीच में, टू आइडेंटिफाई वेदर दे इफ दे वांट टू मॉडिफाई अ पर्टिकुलर ऑर्डर, मॉडिफाई ऊपर करना है, मॉडिफाई नीचे करना है, तो पहले चार्ट में देखते हैं, वहाँ से प्राइस पिक करके दूसरे टैब में जाके मॉडिफाई करें। दैट इज ऑल्सो अ बिग टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। सिमिलरली आपको चार्ट्स अगर दो तीन इंस्ट्रूमेंट्स के देखने हैं तो वो दो तीन टैब्स ओपन रख के दो तीन इंस्ट्रूमेंट्स के चार्ट देखते हैं, या अगर एक साथ दो तीन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए भी दो तीन इंस्ट्रूमेंट्स भी ओपन रखने पड़ेंगे, प्लस ऑर्डर बुक भी ओपन रखनी पड़ेगी। उस लिए भी बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द मार्केट, लाइव मार्केट। सो हाउ आर वी सॉल्विंग दिस इज वॉट वी विल लर्न इन दिस सेशन। सो इंट्रोड्यूसिंग ट्रेडिंग व्यू। हियर वी विल डायरेक्टली ट्रेड All the orders will be placed from the charts. आप manage भी chart से ही कर सकते हो, funds भी आप chart से वो ही panel से add कर सकते हो। So it is as good as a one-stop solution for all the trading needs. Okay. Now I will take you through the entire portal as to how do we log in, why we call it a one-stop solution for all the trading needs, etc. So let's start. ये हमारा website है tv.samco.in. You can log into this, you can come to this website. The login methods are the same. Either you can use the code in the mobile application or you can log in through mobile number or using client ID. यहाँ से अगर आपको toggle करना है normal Samco web पे भी, तो वो भी हमने toggle यहीं पे दे दिया है। So we will go in our app, go to mobile code, ID. Okay, so here we have logged into the portal. Starting with first thing, the left panel you see here, वो same है हमारा trading view की तरह, जो हमारा already live trading view जो panel है, there's nothing has changed in the left panel. आप top panel देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़े extra additional features के icon मिलेंगे. So starting with the first one, which is option chain. यहाँ पे आप सारे securities की पूरी option chain देख सकते हो. Also, we have a quick toggle between the very famous and popular most traded indices. Those are Nifty, Bank Nifty and Fin Nifty. In case आपको IVP देखना है या IV का भी data यही portal से आपको view करना हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये टॉगल ऑन कर सकते हो IV का। Here you can find the IV of the entire 1 year, more than so the, we have the data for 1 month, 1 week, 1 year and so on.
से यहाँ पे आप होवर करोगे तो आपको आईवीपी दिख जाएगा वो समय का, और नीचे एक और पैनल है वेयर यू कैन व्यू आईवीपी। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द बाय बटन। इफ आपको हमारे ओल्ड जो ओरिजिनल वेब है, ओरिजिनल वेब की आपको ट्रेड ऑर्डर विंडो की आदत है, तो उससे भी आप, हमने ये सेम पैनल वहीं से इंटीग्रेट किया है, वेयर यू कैन फाइंड बिल्ड आस्क सम इम्पॉर्टेंट डेटा विच इज़ ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये आपको वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी का सारा डेटा जो हमारे एग्जिस्टिंग वेब के ऑर्डर विंडो पे दिखता है वो पूरा आपको यहाँ दिखा देगा। सो आपको अलग ना लगे ये पोर्टल हमारे ओरिजिनल वेब पोर्टल से। सो दिस इज दैट। सिमिलरली सेल बटन टू क्विकली सेल अ पर्टिकुलर सिक्योरिटी। वी विल कम टू ऑल अदर फीचर्स ड्यूरिंग द डिस्कशन। सो फर्स्ट वन, द मेजर थिंग विच आई वॉन्ट टू हाईलाइट हियर इज यू कैन ट्रेड एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर। जो आप मोबाइल या वेब से ट्रेड कर सकते हो, सारी चीज़ें आप ये पोर्टल से भी ट्रेड कर सकते हो। Okay, we have start. I have taken you through all the basic needs as to why we call it a one-stop solution. We will move forward to now creating a watch list and adding symbols in the watch list. So, यहाँ पे आपके watch list के सारे नाम दिख जाएंगे. When you click on it, एक option आ जाएगा to create a watch list. So, let us create a watch list. 19th April 2024. आपने आपका नाम दे दिया वॉच लिस्ट का, सेव एंड द वॉच लिस्ट हैज बीन क्रिएटेड। नाउ वी विल ऐड अ फ्यू ऑप्शंस टू दिस वॉच लिस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द प्लस आइकॉन ऑन टॉप राइट एंड देन क्लिकिंग ऑन द प्लस आइकॉन, जो भी आपको वॉच लिस्ट में ऐड करने हैं। पीछे आप देखोगे यहाँ पे सारे सिक्योरिटीज आपके ऐड हो चुके हैं ये न्यूली क्रिएटेड वॉच लिस्ट में। Okay, you can toggle between all the securities which are in the watch list by simply clicking on it, और आपका chart यहाँ पे view हो जाएगा। So here are just the steps to follow in case someone wants to take a reference. So not only this, you can also create a watch list for all the treasury bills, जैसे हमने एक create करके रखी है ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स। तो आपके सारे टी बिल्स भी यहाँ पे, अगर आपको एक वॉच लिस्ट में आप टी बिल्स ऐड कर सकते हो, एस जी बीज ऐड करनी है एस जी बी ऐड कर सकते हो, आप सब चीज़ें जो ट्रेड कर सकते हो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल वॉच लिस्ट, ओके, मूविंग अहेड वी ऑल्सो हैव अ ऑप्शन टू ऐड फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम दिस पोर्टल। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, वी हैव ट्राइड आर बेस्ट टू कीप द यू आई एंड यू एक्स सिमिलर टू वॉट वी हैव इन आर वेब सैम्पो। एड फंड्स पे क्लिक करोगे, यू विल हैव अ फ्यू रिकमेंडेड ऑप्शंस, इफ नॉट देन यू कैन इनपुट योर ओन वैल्यू हाउ मच यू वांट टू ऐड। यूपीआई आईडी एंटर करके प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो आपको यूपीआई में एक रिक्वेस्ट मिल जाएगी विच विल हैव टू एक्सेप्ट, विच इज द सेम प्रोसेस एज अ सैम्पो वेब। Okay, I guess we are done with creating the watch list and adding symbols to the watch list. Now a few premium features. जैसे मैंने बताया था आपको कि बहुत बार यूजर्स को डिफिकल्टी होती है इन टॉगलिंग बिटवीन डिफरेंट टैब्स, बिकॉज वो तीन स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं या चार स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, तो उनको तीन से चार अलग टैब्स ओपन करने पड़ते हैं जस्ट टू व्यू देयर प्राइस एक्शन, और वो चार स्टॉक्स में एक साथ ऑर्डर अगर ओपन है तो उनको ऑर्डर बुक भी एक अलग से ओपन रखनी पड़ती है टू आइडेंटिफाई वेदर द वेयर इज द ऑर्डर करेंटली एंड हाउ इज द मार्केट मूविंग। इन केस दे वांट टू मॉडिफाई द ऑर्डर तो उनको वही टैब में जाके वहाँ से मॉडिफाई करना पड़ता है ऑर्डर। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम हियर वी हैव अ प्रीमियम फीचर जहाँ पे आप एक साथ चार चार्ट्स देख सकते हो। नॉट ओनली दैट, आप चार चार्ट्स में अलग से अलग सिक्योरिटीज जो भी आपको देखनी है वो भी आप देख सकते हो विद डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। सो द स्टेप्स आर क्वाइट सिंपल। ऊपर आपको यहाँ पे एक आइकॉन मिलेगा नेम ऑफ द लेआउट के लेफ्ट साइड में, जिस पे आप टैप करोगे तो पूरा एक लिस्ट आ जाएगा ऑफ व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ हाउ मेनी चार्ट्स यू वांट टू व्यू ऑन द स्क्रीन साइमल्टेनियसली। So I will just repeat the steps. यहाँ पे this is the layout which I'm talking about. If you click on it, you get an option of how many charts you want to see. Currently I've selected 4.
you can select all the way up to 8. Not only this, you can trade from all the chart, place orders in all the charts simultaneously as well. We will take it up as we come to that particular slide. Here is the slide of how do we place an order now. हमने वॉच लिस्ट क्रिएट करना सीख लिया, चार चार्ट्स एक साथ एनालाइज करने, एक साथ व्यू करने सीख लिया. अब हम देख रहे हैं कि हाउ डू वी प्लेस एन ऑर्डर विद दीज फोर चार्ट्स ओपन. लेट मी ओपन रिलायंस ऑल्सो. ओके, यहाँ पे फाइव वेज है टू प्लेस एन ऑर्डर. फर्स्ट वे इज क्वाइट सिंपल, जैसे हमने आपको पहले बताया था, जो भी आपका चार्ट सिलेक्टेड है वहाँ पे एक ब्लू बॉर्डर आ जाएगी. This is the chart which is selected currently, HDFC Bank. उस पर आप B पे क्लिक करोगे तो HDFC Bank का ही पूरा ऑर्डर विंडो ओपन कर देगा. एंड दिस ऑर्डर विंडो इज सेम एज अ सैम्पो वेब. लेट्स से इफ यू वांट टू ट्रेड इन रिलायंस, तो एक बार रिलायंस पे आप क्लिक करोगे तो वो ब्लू बॉर्डर रिलायंस पे आ जाएगा एंड वॉट एवर यू आर सिलेक्टिंग उसका वो ऑर्डर विंडो ओपन कर देगा. सो दिस रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर टर्मिनल. जो भी आप सिलेक्ट करोगे उस पर एक बॉर्डर आ जाएगी ब्लू कलर की एंड उसी रिलेटेड ऑर्डर विंडोज ओपन हो जाएगा. सो इन दिस केस फर्स्ट ऑप्शन वॉज टू क्लिक ऑन द बी एंड एस बटन. सेकेंड ऑप्शन इज इफ आपको मार्केट ऑर्डर डालना है तो यहाँ पे ये जो बिल्ड और आस्क के वैल्यू स्ट्रीम हो रहे हैं यहाँ पे आप क्लिक करोगे बाई पे. सो सीधा सिलेक्शन ही आपका मार्केट हो जाएगा वे यू कैन प्लेस एन ऑर्डर डायरेक्टली बाय क्लिकिंग ऑन क्विक ट्रेड. दैट इज द सेकेंड वे ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. थर्ड वे ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज आपको लिमिट ऑर्डर डालना है और प्राइस एक्शन के हिसाब से डालना है. जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ है तो इफ ये स्विंग पे आएगा तो वहाँ मुझे ऑर्डर डालना है. आप यहाँ स्विंग पे गए, प्राइस आपका 1502.90 दिख रहा है, उस पर क्लिक करके दिस इज द लिमिट ऑर्डर बाई वन HDFC एट 1502.90 लिमिट. उस पर आप क्लिक करोगे तो ये लिमिट प्राइस ऑटोमेटिकली फेच कर देगा पोर्टल फ्रॉम द चार्ट स्केल जो आप जहाँ पे आपने प्लस आइकॉन क्लिक किया था. क्विक ट्रेड करने पे ऑर्डर प्लेस हो जाएगा. सो मैं आपको एक, दिस वॉज द थर्ड ऑप्शन, थर्ड वे ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. फोर्थ वे ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज अ शॉर्टकट बटन. शिफ्ट और बी आप क्लिक करोगे तो एक ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगी विथ द डिफॉल्ट सिलेक्शन एज मार्केट. नॉर्मली दिस इज द वाई इज दिस मार्केट दैट वी विल कम टू लेटर व्हेन वी डिस्कस इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट. हाउएवर जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्प्स, नॉर्मली ये फीचर स्कैल्पर्स और क्विक बाय एंड सेल करने वाले ट्रेडर्स यूज करते हैं. सो दे डोंट वॉन्ट टू यूज माउस मैच. और शिफ्ट बी क्लिक करने पर ऑर्डर मार्केट ऑर्डर ही सीधा प्लेस हो जाएगा. Okay, let me place a few orders just to show how those orders are viewed on the screen. So, ये देख रहे हो आप limit orders place हो रहे हैं. जैसे 162.75 पे एक limit order place किया quick trade and यहाँ पे सारे limit orders place हो चुके हैं. Okay. One last, the final method of placing an order is through market depth. यहाँ पे आप जो ये आइकॉन देखते हो, ये आइकॉन पे क्लिक करने से मार्केट डेप्थ ओपन हो जाएगी. दिस इज द मार्केट डेप्थ ऑफ ट्रेडिंग व्यू. हियर नाउ यू कैन प्लेस एन ऑर्डर डायरेक्टली बाई गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्राइस. सो इफ आई स्क्रोल डाउन, मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर दूंगा तो ये ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगा अलॉन्ग विद दैट प्राइस एज सिलेक्शन. सो just the reason for showing you these five types of order placement is aap apne convenience ke hisab se aapko jo acha lage वैसे aap ye particular portal ko use kar sakte ho aur wo hisab se aap order bhi place kar sakte ho. Okay, next, moving ahead, how do I cancel multiple orders. ye ek humne customer ke issues dekhe the jahan pe bahut jo हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं जिनका क्वांटिटी फ्रीज ब्रीच हो जाता है तो उनको 900-900 क्वांटिटी के बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं. फॉर देम व्हाट हैपेंस इज, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सो ये HDFC बैंक में इफ देर आर मल्टीपल ऑर्डर्स ओपन, लेट मी प्लेस इंट्राडे ऑर्डर.
तो यहाँ मल्टीपल ऑर्डर्स मेरे ओपन है, मुझे वन क्लिक में ही सारे ऑर्डर्स को कैंसिल करना है. वन वे ऑफ कैंसलिंग एन ऑर्डर इज क्लिकिंग ऑन दिस क्रॉस आइकॉन. क्लिक करोगे, कंफर्मेशन पूछेगा, डू यू वांट टू कैंसिल द ऑर्डर, येस और नो. अनदर वे ऑफ कैंसलिंग एन ऑर्डर इज गोइंग टू द अकाउंट्स मैनेजर ऑर्डर सेक्शन एंड देन फाइंडिंग दैट ऑर्डर एंड क्लिकिंग ऑन दिस कैंसिल बटन. Similarly, we will also be asking a confirmation, do you really want to cancel this order? So, ऐसा अगर आपके 10 orders open हैं, आपको एक साथ close करने हैं, तो वो 10 बार confirmation पूछेगा. However, here, what we can do is, again, go to the market depth. यहाँ पे आप click करोगे. So, आपको छोटा सा ये cross दिख रहा है. ये आपके सारे buy orders cancel कर देगा. Similarly, sell के side पे भी एक cross है, जो आपके सारे sell orders cancel कर देगा. So currently I don't have any sell orders. Let me place one sell order. So yahan do sell orders hain aur kuch buy orders hain. If I click on this cross icon, sare buy orders ek click mein hi cancel ho jayenge. Similarly, sell orders bhi ek click mein hi cancel ho jayenge. Yahan pe count bhi dikha rahe hain hum. कि हाउ मेनी ऑर्डर्स आते हैं. देयर आर 5 ऑर्डर्स एंड देयर आर 2 ऑर्डर्स इन से, 2 ऑर्डर्स ऑन सेल साइड, 5 ऑर्डर्स ऑन बाय साइड. इफ आपको सारे ही ऑर्डर्स कैंसिल करने हैं वन क्लिक में, सो दिस इज कैंसिल ऑल का बटन. इफ यू क्लिक ऑन कैंसिल ऑल, विल ओनली आस्क वन कन्फर्मेशन, डू यू वॉन्ट टू स्क्वेयर ऑफ कैंसिल 7 ऑर्डर्स, 5 ऑन बाय साइड एंड 2 ऑन सेल साइड. इफ यू क्लिक येस, देन ऑल द ऑर्डर्स विल बी कैंसिल्ड इमीडिएटली. सो दिस इज अ वे नॉर्मली यूज्ड बाय पीपल हु आर मोस्टली ट्रेडिंग इन ह्यूज क्वान्टिटी, जिनके बहुत सारे बल्क ऑर्डर यूज़ करते हैं, जो मतलब बल्क ऑर्डर फीचर जो यूज़ करते हैं, उनको अगर एक साथ बहुत सारे ऑर्डर्स कैंसिल करने हैं, तो दिस विल बी वेरी हैंडी फॉर देम. कवर्ड, दिस इज द स्टेप्स. इफ यू ऑल वॉन्ट टू टेक अ रेफरेंस, मार्केट डेप्थ में जाके, इफ यू वॉन्ट टू क्लोज ऑल द बाय ऑर्डर्स, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन ऑन द बाय साइड, एंड इफ यू वॉन्ट टू क्लोज ऑल द सेल ऑर्डर, क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन ऑन द सेल साइड. For cancelling all the orders altogether, cancel all button is what you have to click on. Moving ahead to managing the orders, how do I manage my pending orders? As we were discussing earlier, बहुत लोग chart देखते हैं, फिर order window पे जाते हैं, and then try to modify the orders. With this trading view, what you can do is simply click on this. The quantity icon, the quantity value, वहाँ पर आपको फिर से एक ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप आपकी क्वान्टिटी मॉडिफाई कर सकते हो, प्राइस मॉडिफाई कर सकते हो, आपको जो मॉडिफाई करना है. बैकग्राउंड में प्राइजेज आर स्टिल स्ट्रीमिंग एंड यू कैन सी द चार्ट इन द बैकग्राउंड. दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग इट. अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज़ आप सिंपली ऑर्डर को ड्रैग करके आपको जो प्राइस पे मॉडिफाई करना है वहाँ जाके सिंपली ड्रॉप कर सकते हो. सो लेट्स से मुझे यहाँ पे मॉडिफाई करना है 80.25 पे, मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, प्राइस ऑटोमेटिकली 80.25 फेच करके ऑर्डर विंडो में आ गई. आई जस्ट हैव टू कंफर्म करने पे दैट ऑर्डर विल बी मॉडिफाइड फ्रॉम द अर्लियर प्राइस टू 288.25. एंड अ थर्ड वे ऑफ अगेन मॉडिफाइंग द ऑर्डर इज थ्रू Accounts Manager. Clicking on Accounts Manager, going to Pending Orders, clicking on this Edit icon. यहाँ से आपका orders, आपके orders modify हो जाएंगे. So we are through with all the three ways of modifying an order. Moving ahead to customizing the positions view. Normally, if I am placing an order which is close to the कैंडल्स, कभी कभी यहाँ पे देखने में डिफिकल्टी हो जाती है. तो वॉट यू कैन डू इज यू कैन कस्टमाइज द चार्ट व्यू. जैसे यू कैन क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स आइकॉन, गो टू द ट्रेडिंग सेटिंग्स, स्क्रॉल डाउन, हियर यू कैन फाइंड ऑल द कस्टमाइज ऑप्शंस. सो वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज वेयर डू आई वॉन्ट टू शो दिस पोजिशंस एंड ऑर्डर्स अलाइनमेंट. अभी तो ये राइट में दिख रहा है, बट बहुत बार राइट में लाइव प्राइस स्ट्रीम होता है, तो इट कैन ओवरलैप एंड इट कैन नॉट समटाइम्स गिव यू अ वेरी गुड व्यू ऑफ व्हाट द प्राइस एक्शन इज. सो यू कैन चेंज दैट टू लेफ्ट साइड, क्लिक ओके. सो आपके ऑर्डर्स जो भी है वो राइट लेफ्ट अलाइन हो गए हैं. योर ऑल द डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, पोजिशंस विल बी शोन ऑन द लेफ्ट साइड.
And in case, there's one more option of showing it in the middle alignment. If you want to view it in the middle, you can click on center, click OK. आपके orders के सारी details middle line हो जाएगी. This also works on the full screen view. I will again reset it to default. The steps were given here, clicking on the settings icon, moving to trading menu, and then scrolling down and changing the preferred location or preferred alignment. Same you can do for positions. If aapke position open hai, to what do you want to see here on the chart? Do you want to see the profit amount? Do you want to see the profit percentage? Or do you want to see ticks? Now ticks generally unke kaam aati hai jo scalpers are 1 minute mein ticks basis pe trade karte hain. So they take a very huge quantity and they have stop loss based on ticks and not based on a percentage or a monetary value as such. So unke liye ye ticks will be useful. Moving ahead. Now this is a very interesting feature, mostly for all the scalpers and people who don't like confirmations. Ki bahut log ka aisa hota hai, if I click here and I click on buy, I'm sure I want to buy. I don't need a confirmation or order window for me to confirm again. So what is this instant order placement? It will eliminate all my confirmation pop-ups. Like, do you really want to cancel the order which we get here? Do you want to place a trade at limit price, this order window? It will all be eliminated and you can directly place an order without a second confirmation. How do you enable it? आपको यहाँ chart settings पे click करना पड़ेगा. वहाँ पे left side में trading menu पे click करके here is that option of instant order placement. If I click it, then this is turned on. How do you identify कि हमारा instant order placement अभी on है या off है? That is simple. आप यहाँ पे bid ask के boxes देख लो. यहाँ पे एक spread है, bid का एक value है, ask का एक value stream हो रहा है and एक spread है along with a quantity. If I turn it off, the shape of that box is smaller in a rectangular format. If I turn it on, it is more like a squarical format. और एक आप difference देखोगे तो यहाँ पे quantity आ जाती है. Because you want to place an order instantly, how do I know how many quantities you want to buy? So वो भी आप वहीं से manage कर सकते हो. Let me take you through it. So if we have turned it on, here you can see that the instant order placement is on. Click on OK. Now let's say I want to trade in 5 quantities. We are adding more 5 quantities, it will become 11. 16 quantities is what I want to trade. It will remember the value of 16. Now I go to any place and click on the plus icon. Wo automatically hi aapko yahan pe kuch dikha dega ki buy 16 HDFC bank at this price. If you click OK, aapke funds rahenge account mein, to wo order place ho jayega. Seedha 16 quantity ka. Let's say आपको 16 नहीं करना था, आपको सिर्फ 10 order, फिर 10 quantity place करनी. So you have to change it only for once here, and then you can place the order for that 10 quantity. Now, while cancelling the order also, we will not ask another confirmation. One click में आपका order cancel हो गया, यहाँ पे एक notification आएगा that order has been cancelled successfully. Similar fashion में आप जब market depth पे जाओगे, वहाँ पे we had this feature of cancel all pending orders. वहाँ पे there will not be any further confirmation of do you want to cancel all the orders or not. On a single click, all the orders will be cancelled. अब यहाँ पे why, so someone will ask कि why will I use this feature for trading in equities, but normally this feature is basically for people who are trading in FNO. So उनको खुद का लॉट साइज पता है कि उनको 10 लॉट्स में ट्रेड करते हैं, 20 लॉट्स में ट्रेड करते हैं, तो वो एक बार जाके यहाँ पे सिर्फ सेटिंग क्वांटिटी सेट कर सकते हैं एंड वी विल रिमेंबर इट फॉर द एंटायर लॉग इन जर्नी. सो जब तक कोई यूजर लॉग आउट नहीं करता, टिल देन वी विल रिमेंबर वॉट इज द क्वान्टिटी विच यू हैज प्लेस फॉर दिस पर्टिक्युलर अंडरलाइन. सो जस्ट टू शो यू दैट, इफ आई गो टू निफ्टी,
एंड ओपन बैंक निफ्टी का कोई ऑप्शंस here the quantity is 15 I can change it to 30 45 based on the lots I want to trade right now here it's 30 and for nifty let me put as 100 so if I click on a price confirm the order will be placed for that 100 quantity similarly in bank nifty automatically 30 quantity pe order place kar denge Now, someone who is a scalper, who यहाँ पे there was a second option if you recall that different ways of placing an order में एक option था जहाँ पे हम यहाँ ये button पे click करके भी order place कर सकते हैं. What will happen here is if you click on this button, the order will be sent directly at market. No confirmations will be asked. If you want an order, we can place. If I click here. The order is directly sent at market and the order is executed for at 100 quantity. Now if I want to square off this order, I can either click on this sell button, wahan se bhi order automatically sell ho jayega at market or I can choose to click on this close position button. Since we have taken a position, we can also customize this position view. Okay, I don't want to see it in the middle on the right side I want to align it to the left side so you can align the value or the positions profit and loss on the left side or you want to see a percentage then you can also change it to percentage yahan pe aapko 1% ka profit dikh raha hai in case the user wants to see a percentage and not a price okay So here we can click on this cross to close the position or click on the sell. We will click on cross. Here it's asking for a confirmation. Do you want to really close the position? And the another way is clicking on this sell button, which will execute the trade. अब भी हम इसको zoom करके 1 minute chart पे अगर देखें, so you can see that there are this arrows which will signify आपने वो order. कौन से मिनट पे बाय किया था और कौन से मिनट पे सेल किया था एंड इफ यू होवर ऑन दोज एरोस यू कैन फाइंड द प्राइस कि 100 क्वांटिटी बाय की थी 158.95 पे एंड वो सेल हुई 165.33 पे बेस्ड ऑन एवरेज क्योंकि यहाँ पे जब भी सेल हुआ रहेगा आपका ऑर्डर तो वो दो अलग अलग प्राइस पे दो अलग लॉट गए रहेंगे इसके लिए वो 0.33 दिख रहे हैं नॉर्मली नॉर्मल केस में व्हाट वुड हैव हैपेंड इज User would have to go to the accounts manager, find the trades, find all the orders which are filled successfully. After finding the orders, he will have to check the time. क्या अच्छा ये time पे हुआ ये time पे हुआ जबकि आपको chart में जब आप देखोगे chart में आपको arrows के साथ ही दिख जाएगा कि when the order was executed at what time and at what. So since we are at a 5 minute time frame, वो same candle पे ही दोनों arrows दिखा रहे हैं If we go down to a 1 minute time frame, at that time you will clearly understand कि ये minute पे buy हुआ था, second minute पे sell हो गया था. So this is the instant order placement feature. Here we can also trade based on this market depth. यहाँ पे if you click on a particular order, it will directly place an price, it will place an order. So यहाँ पे click किया, the order has been placed. If we scroll down, you can see that the order has been placed at 145.10. We have covered entirely the instant order placement feature. Okay. And similarly, you can also do the same in different charts as well. Instant order आपने एक बार on कर दिया तो सारे charts के लिए आपका by default on हो ही जाएगा. And quantity can be managed from here. Let me also show you the pending order section. तो accounts manager में भी जब आप cancel करोगे orders, तभी भी it will not ask for any confirmation. It will directly cancel the orders. Okay. Now since we are talking about orders itself, हम modify की भी बात कर लेते हैं
नॉर्मली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके जब मॉडिफाई करते हो आपको एक पॉपअप आता है, डू यू वॉन्ट टू मॉडिफाई दिस प्राइस। बट यहाँ पे आप जहाँ पे भी ड्रॉप कर दोगे, जैसे मैंने 1495.10 पे ड्रॉप कर दिया ऑर्डर, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। आई वॉन्ट टू मॉडिफाई बिलो 90, ड्रॉप कर दिया, स्क्रोल हो गया तो 90.15 पे वो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो गया। So here there'll be no confirmations before modifying the order or placing the order, which will help you trade much faster. Okay, moving ahead. So just one last point that यहाँ पे भी अगर आप shortcut use कर दोगे, let's say I'm doing it for with one quantity. In HDFC Bank, if I use a shortcut of Control B, it will be a direct market buy order which will be placed. And if I use the shortcut of Shift S, it will be market order which will be sold at a market. So no confirmations will be asked for this also. So you'll have to be very clear when you will be alert when you are trading in this instant order placement, because aap koi bhi buttons pe click kar doge, seedha order hi chala jayega. There will not be any confirmations. Moving ahead, I'll just take you through the accounts manager section, जहाँ पे आपको सारे details मिल जाएंगे. So starting with the positions, यहाँ पे आपके जो भी open positions है वो सारे आपको यहाँ दिख जाएंगे. If you want to look at these particular contracts, normally again in another portal आपको जाके वहाँ पे search करना पड़ेगा Dr. Reddy का 6300 का call. However here वी विल डायरेक्टली क्लिक ऑन अ चार्ट, जो भी आपका चार्ट सेलेक्टेड है उसको ब्लू बॉर्डर्स आ जाएंगे. वहाँ पे आप पोजीशंस पे जो भी कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करोगे वो वहाँ पे लोड हो जाएगा. सेकेंड चार्ट पे मैंने क्लिक किया, दो दैट इज हाईलाइटेड इन ब्लू, आई क्लिक ऑन द सेकेंड वन एंड वो वहाँ पे लोड हो जाएगा. सो हियर यू कैन एनालाइज योर पोजीशंस. ओके, सो हियर यू कैन एनालाइज योर पोजिशन दैट ये क्वान्टिटी ओवर नाइट में 117 पे सेल हुई थी, अभी प्राइस 5 चल रहा है. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ पोजिशन. टॉप सेक्शन में आपको आपका नाम दिख जाएगा एंड जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी यहाँ दिख जाएगी. जैसे फॉर पोजिशनल केस देयर इज अ नेट लॉस ऑफ अराउंड 5000 रुपीज फॉर पोजिशनल पी एन एल, होल्डिंग्स का पी एन एल 6000 रुपीज, वो भी आपको यहाँ दिख जाएगा. This equity funds is the actual funds which you can use for your, these are the cash funds which you can use for option buying, equity buying. So वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा. Commodity के funds भी यहाँ पर ही visible है. Moving to second part, that's orders. When you go on all, वहाँ पर आपके सारे orders की list आ जाएगी, rejected, cancelled, filled, pending. Working section, so we have tried our best to keep the labels same as that of TradingView. जो वेल वर्स्ड है ट्रेडिंग व्यू में उनको पता है वर्किंग ऑर्डर्स आर ऑल दोज ऑर्डर्स विच आर पेंडिंग ऑर्डर्स. सो वी हैव नॉट चेंज दैट लेबल हियर. सो वर्किंग आर द पेंडिंग ऑर्डर्स. इफ आई प्लेस सम ऑर्डर इट विल बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन द वर्किंग. सो हियर आई प्लेस एन ऑर्डर विच इज अ पेंडिंग ऑर्डर, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है. सेकेंड इज इनएक्टिव ऑर्डर्स, ये बेसिकली सेक्शन वो है जहाँ पे आप ब्रैकेट ऑर्डर डालते हो, आपका फर्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है. जब तक फर्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका एसएल और टारगेट लेग जाएगा ही नहीं. सो दीज आर दोज ऑर्डर्स विच आर इनएक्टिव बिकॉज द मेन ऑर्डर इज नॉट येट ट्रिगर्ड. सो आपको यहाँ दिख जाएगा. फिल्ड ऑर्डर्स में आपके सारे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स दिख जाएंगे अलॉन्ग विद द पेंडिंग क्वान्टिटी. सो ये सारे फुलफिल्ड थे इसके लिए पेंडिंग क्वान्टिटी यहाँ जीरो आ रही है. And what is the order type, product type, limit, market and all the specifications here. Cancelled orders mein aapko pura list mil jayega cancelled orders ka, and rejected orders mein rejected orders dikh jayenge aapko along with its reasons. So ek sell quantity dala tha HDFC ka, that was rejected because I don't have HDFC bank in my holdings. Close position mein aapke sare bhi positions jo aapne close square off kiye hai wo yahan dikh jayenge. Again everything is clickable, so if I click on this by selecting a particular chart, वहाँ पर वो load हो जाएगा. So it's very fast and efficient when it comes to loading the charts.
होल्डिंग्स में आपके सारी होल्डिंग पोजीशन जो आपने सीएनसी में बाई करके रखी है वो पूरी लिस्ट यहाँ दिख जाएगी। ट्रेड बुक में आज एग्जीक्यूटेड जो ऑर्डर्स है वो एंड फंड्स हैज अ डिटेल्ड ब्रेकअप ऑफ योर फंड्स क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज दैट इज इक्विटी एंड कमोडिटी। दिस वॉज ऑल अबाउट पोजिशन सेक्शन। Moving to the last discussion of the day, that is multi-square off. Multi-square off हमने यहाँ पे integrate इसलिए किया है क्योंकि हम सारे orders एक साथ cancel करने दे रहे हैं, हम instantly order place करने दे रहे हैं, but what about the case जहाँ एक user को अपनी सारी positions एक साथ square off करनी हो, उस लिए हमने यहाँ पे एक icon दिया है ये multi-square off का। If you hover on it, you will get the name. क्लिक करने पे आपको सारी लिस्ट आ जाएगी पोजीशंस की, नो होल्डिंग्स ओनली पोजीशंस जो आपके ओपन रहेंगे। सिलेक्ट विच ऑल यू वांट टू स्क्वेयर ऑफ, और अगर आपके बहुत सारे पोजीशंस है, लेट्स से लिस्ट है पूरा 10 पोजीशंस का, सो आप ये सिलेक्ट ऑल का बटन क्लिक कर दोगे सारी सिलेक्ट हो जाएगी। ऑन एंड क्लिकिंग मल्टी स्क्वेयर ऑफ पोजीशन वी विल स्क्वेयर ऑफ ऑल द पोजीशन एट मार्केट प्राइस। सो ये सारी पोजीशन मार्केट प्राइस पे स्क्वेयर ऑफ होगी। सो इट इज advisable to actually look at the bid ask spread itself. आपको bid ask always देखनी है तो आप ये depth जो है यहाँ पे on click करके ये lock का button आप select कर सकते हो। इससे होगा क्या, आप जो भी security पे click करोगे उन सब की यहाँ bid ask आपको देखने मिल जाएगी। So all the orders in multi square off will be squared off at market. Okay, this was all about it. So we have a few major product updates coming up, जिनके बारे में भी बात मैं करना चाहता हूँ. The first one is grouped view. इसमें आपको मैंने एक छोटा सा यहाँ पर स्क्रीनशॉट देके रखा है जिससे आप विजुअलाइज कर सकते हो कि what is this grouped view. आपको आसान भाषा में बताऊँ तो समझो आप रिलायंस, HDFC, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये चार अंडरलाइन में आपने कोई पोजीशंस लेके रखी है, दैट इज अ स्ट्रैटेजी जो आपने लेके रखी है। कोई इसमें बुल कॉल स्प्रेड किया है, किसी में आपने आयरन कॉन्डोर किया है, तो आई होप आप हमारा ऑप्शंस ब्रो जो फीचर है वो यूज़ कर रहे हो, आपको वैल्यू ऐड कर रहा होगा वो। सो वहाँ पे आपने बहुत सारे अलग अलग पोजीशंस लेके रखी है। ऑप्शंस ग्रो में क्या होता है, आप जब पोजीशन लोगे उसके पहले हम आपको पूरा एनालिसिस दे देंगे कि पे ऑफ ग्राफ कैसा है, कहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट है, मैक्स लॉस है, हाउ इज़ द पे ऑफ चार्ट लाइक। आपने ऑर्डर ले लिया, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर ली, उसके बाद आपको अगर व्यू करना है कि मेरा पे ऑफ क्या है या कहाँ पे मुझे मैक्स प्रॉफिट होगा, उसके लिए हमने यहाँ पे एक एनालाइज का बटन दिया है। यहाँ से आप पूरा अंडरलाइन का ग्रुप कर सकते हो व्यू, वो ग्रुप व्यू का वैल्यू क्या ऐड करना है वो यहाँ पे आपको टोटल PNL देखने मिल जाएगा। जैसे आरती इंडस्ट्री में टोटल PNL 5000 का जो लॉस है वो दिख रहा है आपको। अदरवाइज अगर आप ग्रुप PNL नहीं होता तो आपको इंडिविजुअली हर एक सर्च करना पड़ता था, स्टॉक हर एक पोजीशन सर्च करनी पड़ती थी और उसका पोजीशन मैन्युअली आपको कैलकुलेट करके एडलेस करना पड़ता था। सो यहाँ पे हमने अंडरलाइन का प्राइस भी दे दिया है एंड टोटल प्रॉफिट। इफ़ आई क्लिक ऑन एनालाइज तो आपको वहाँ पे पूरा एनालिसिस का पेज मिल जाएगा हमारा पे ऑफ चार्ट के साथ, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका मैक्स प्रॉफिट कौन से पॉइंट पे है, मैक्स लॉस कौन से पॉइंट पे है, ब्रेक इवेंट्स कहाँ पे है। अलॉन्ग विद दैट हमने मल्टी स्क्वेयर ऑफ का भी ऑप्शन दिया है। सो यर ऑन द आरती इंडस्ट्रीज जो लिखा है उसके लेफ्ट साइड में एक आइकॉन है मल्टी स्क्वेयर ऑफ का। सो आपको चार अंडरलाइन में आपके पोजीशंस है, उसमें से आपको एक ही अंडरलाइन के पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करनी है इंस्टेंटली, तो आप वो मल्टी स्क्वेयर ऑफ का बटन यूज़ करके पूरा एक लिस्ट आ जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर अंडरलाइन के पोजीशंस। यू कैन सेलेक्ट ऑल एंड स्क्वेयर ऑफ, एंड स्क्वेयर ऑफ विल बी ऑल एट मार्केट। सो दिस इज वन ऑफ द वन फीचर विच वी आर गोइंग टू लॉन्च सून। अनदर फीचर इज एन एग्जिट अलर्ट, एन MTM बेस्ड अलर्ट। सो आपको अगर जानना है कि आपका प्रॉफिट 15,000 हो गया या लॉस लेट्स से 10,000 हो गया, तो आपको एक अलर्ट चाहिए कि जैसे ही मेरा MTM ये दो नंबर को मैच करता है मुझे एक अलर्ट चाहिए। तो ये हम वो कर रहे हैं, जैसे भी आपका प्रॉफिट या लॉस जो आपने इनपुट किया है वो ट्रिगर होगा तब हम आपको एक अलर्ट भेजेंगे। सो ये अलर्ट किस चीज़ के लिए है, क्यों काम का है, इट्स बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज आपने स्क्रीन नहीं देखी, आप स्क्रीन पे नहीं थे या पोर्टल पे नहीं थे या ऐप नहीं खोला,
उसके लिए आपका प्लान लॉस 10,000 था, बट जब भी आपने ऐप खोला तब भी लॉस दिख रहा 13,000। तो आपको समझा ही नहीं कि जब लास्ट आपने देखा था तभी लॉस था 5,000, अब आप देख रहे हो तो हो गया है 13,000, मतलब आपको काटना था पोजीशन है 10,000। सो अननेसेसरी आपका 3,000 का एक्स्ट्रा लॉस दिख रहा है अभी MTM में। इसमें क्या होगा, आप अगर नहीं हो पोर्टल पे या आपने ऐप नहीं भी देखा, तो जैसे आपने जो डिफाइन किया है लॉस और प्रॉफिट, जैसे ट्रिगर होगा हम आपको एक नोटिफिकेशन भेज देंगे दैट योर डिजायर्ड प्रॉफिट स्लैश लॉस हैज़ बीन हेड अचीव्ड, डू यू वॉन्ट टू स्क्वेयर ऑफ दिस पोजिशन और नॉट। आप उस नोटिफिकेशन पर टैप करोगे तो हम आपको सीधा एक मल्टी स्क्वेयर ऑफ विंडो ही ओपन करके दे देंगे, जहाँ से आप वो पूरा पोजिशन एक साथ ही एग्जिट कर सकते हो विद मिनिमल डिले बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड द स्क्वेयरिंग ऑफ अ पोजिशन। सो आप अपना लॉस बचा सकते हो या प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर अप फॉर क्वेश्चंस इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस। अजीत जी का एक क्वेश्चन है, ये सेट अलर्ट काम कैसे करता है। सो अजीत जी, ये हमारा अपकमिंग फीचर है, अभी ऐप पे नहीं है, हम सून ये ऐप पे लॉन्च कर देंगे। आपका क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए आपको एक इनपुट देना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट आपको कितना मैक्स चाहिए, कितना आपको लॉस मैक्स चाहिए जिस पे ये अलर्ट ट्रिगर हो। जैसे ही वो आपको ये जो पर्टिकुलर बट इनपुट है वो आपको पोजिशन पेज पे ही दिख जाएगा। पोजिशन पेज पे एक बेल आइकॉन हम वहाँ पे ही लगा देंगे, वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको खुद इनपुट देना पड़ेगा कि मैक्स प्रॉफिट कितना, मैक्स लॉस कितना, आपको जब होगा तब आपको ट्रिगर चाहिए या अलर्ट चाहिए। आप ये सबमिट कर दोगे तो हम जैसे ही वो MTM या आपका जो पोजिशन का टोटल प्रॉफिट लॉस है वो वहाँ पर पहुँचता है, वैसे हम आपको एक अलर्ट भेज देंगे। एक अनोनिमस क्वेश्चन है, कन्फर्म वेन आर वी गोइंग फॉर रियल टाइम चार्ट्स। दीज आर ऑल द रियल टाइम चार्ट्स, जैसे हमने आपको दिखाया प्राइस स्ट्रीम हो रहे थे, बिडास्क स्ट्रीम हो रहा था, ये सारे आपके रियल टाइम चार्ट्स ही है ट्रेडिंग व्यू पे जो अभी हमने लाइव किया है। आप शायद से वो पूछ रहे हो कि ट्रेडिंग व्यू पोर्टल पे 5 सेकेंड का जो डिले आता है वो इसमें आएगा कि नहीं। इसमें कोई डिले नहीं है, इसमें सारे जो स्ट्रीमिंग हो रही है, जो भी प्राइस आपको दिखता है वो सारा रियल टाइम है। सो एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर दिस पोर्टल। सो आई वांट टू शेयर दैट इट्स एब्सोल्युटली फ्री, यहाँ पे कोई एडिशनल आपको कॉस्ट नहीं देना है। आपका अगर अकाउंट है सैमको में तो आप tv.samco.in पे अभी ही लॉग इन कर सकते हो एट नो एडिशनल कॉस्ट। एक क्वेश्चन है, अनोनिमस अटेंडी ने पूछा, कैन आई क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू। तो उसका आंसर है येस, यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ। जैसे हमने फर्स्ट जो दिखाया आपको, फर्स्ट डेमो दिखाया, उसमें हमने एक नई वॉच लिस्ट ही क्रिएट की और नए उसमें सिंबल्स ऐड करके देखे। सो यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ न्यू वॉच लिस्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ। आप जो भी वॉच लिस्ट क्रिएट करोगे ट्रेडिंग व्यू के पोर्टल पे, वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी अक्रॉस सैमको वेब एंड सैमको मोबाइल एप्लीकेशन। सो यू नीड नॉट क्रिएट डिफरेंट वॉच लिस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस, एक बार वॉच लिस्ट क्रिएट कर दी वो सब जगह आपको दिख जाएगी। सो एक और हमें क्वेश्चन मिला है जिनमें यूजर पूछ रहे हैं कि इफ़ आई ड्रॉ और क्रिएट एनी इंडिकेटर, एड एनी इंडिकेटर ऑन द एप्लीकेशन, कैन आई सी इट ऑन ट्रेडिंग व्यू। येस, यू कैन सी इट ऑन ट्रेडिंग व्यू, जिसमें सिर्फ एक ही प्रोवाइडेड, जस्ट वन थिंग दैट हैव सेव्ड द लेआउट। सो अगर आप मोबाइल पे कुछ लेआउट्स जो बना रहे हो, ड्राइंग्स जो बना रहे हो, वो सब सिंक तो हो जाएगा, पर हमारा ऑटो सेविंग एवरी 3 or 5 seconds में होता है। तो अगर आपने सेव करके सीधा ऐप किल कर दिया तो नहीं होगा वो सेव, बट वो एवरी 5 सेकेंड हम सेव करते रहते हैं मोबाइल पे, सैमको वेब पे एंड ट्रेडिंग वेब पे, जो भी आपने इंडिकेटर्स ऐड किए हो या आपने ड्राइंग्स ऐड किए हो, वो सब अपने मोबाइल में कुछ ड्राइंग किया है, इंडिकेटर ऐड किया है, वो आपको ट्रेडिंग वेब पोर्टल पे भी दिख जाएगा एंड सेम वाइस वर्सा। ओके, सो वी हैव रिसीव्ड अ गुड सेट ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आई होप ये वैल्यू ऐड किया रहेगा अ लॉट एंड आप ट्रेडिंग वेब पोर्टल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दोगे। थैंक यू। सैमको ट्रेडिंग ऐप, आप ही के ट्रेडिंग का अनदेखा सच। Investments and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.